ओके अभी ये मैं रिपीट कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में ये था कि एयर जैसा लेटर है वो किसमें हो रहा है, क्वेश्चन नंबर वन में, तो ए एन डी उसमें हो रहा है, उसमें भी टू मैच निकल रहा है एंड यहाँ पे भी टू हो रहा है, डी में टू एन एंड बी में भी टू एन हो रहा है। ओके तो ए एन डी वो हम लिखेंगे एन, कैसे क्यों हमें ऐसा किया, कैसे ये हो रहा है, तो नंबर ऑफ मैचिंग रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ देम इज टू, यानी कि कोई भी सेट आपको बनाना है तो जिसमें आपको क्या यूज करना पड़ेगा, टू मैचिंग का यूज करना पड़ेगा। ओके इसलिए ये हो रहा है। अभी नेक्स्ट है थर्ड, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, देयर आर फाइव कैडेट्स इन अ रो, what is the rule which gives the number of cadet given the number of row? Okay, अभी यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लगा है use n for the number of rows, यानी कि हमें number of rows equal to क्या लेना है, number of rows is equal to 5 now n, ऐसा कहा है use n for the number of rows, the number of rows is equal to n। अभी यहाँ पे कहा है मार्चिंग नंबर है, यानी कि आप जो 26 जनवरी आएगी, ओके हमारा रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंट डे उन दोनों के दिन आप देख सकते हो कि डी में लाइव ऐसे होते हैं कि आप देख सकते हो वहाँ पे जो कैडेट्स होते हैं आर्मी में होते हैं वो सब परेड करते हैं। ओके तो यहाँ पे वैसे कुछ समय है, देर आर फाइव कैडेट्स इन अ रो, यानी कि एक रो में कितने हैं, फाइव। ओके ये फाइव कैडेट इन अ रो, यानी कि एक ही लाइन में फाइव कैडेट है एंड वो क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, यानी कि वो एक साथ परेड कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे रूल्स कर रहे हैं, व्हाट इज द रूल व्हिच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स। अभी हमें नंबर ऑफ कैडेट्स निकालना है तो कौन सा रूल लागू पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे कर दो टू रो है तो एक कैडेट में एक रो में कितने थे, फाइव कैडेट्स थे, अभी टू रो है यानी कि टेन हो जाएगा, वैसे ही थ्री रो करो तो कितने हो जाएंगे, फिफ्टीन, यानी कि नंबर ऑफ कैडेट्स में निकालना है तो रूल्स ये लागू पड़ेगा कि उसको कर दो फाइव से मल्टीप्लाई। जैसे सेप बनाने के लिए हो रहा था यहाँ पे टी सेप बना रहा था तो टू मैच थ्री, वैसे जेड में थ्री मैचिंग, वैसे यहाँ पे एक रो के अंदर कितने थे, फाइव। तो अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ कैडेट्स, ओके नंबर ऑफ कैडेट्स तो कितने होंगे, रूल्स यहाँ पे ये होगा फाइव एन, फाइव एन ये बन जाएगा उसका। ओके कोई भी अगर नंबर ऑफ रोज फॉर एग्जांपल 10 है, अगर ये 10 रोज है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो, मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि एक रो में कितने हैं, 5, टू रो में हो जाएगी 10, थ्री रो में 15, वैसे ये हो जाएगा आगे का चीज, यानी कि ये उसका इन जनरल फॉर्मूला होगा। ओके जैसे हमने ऊपर देखा था ना, 1 का 5, 2 का 10, 3 का 15, 4 का 20 एंड सो ऑन। तो अगर फॉर एग्जांपल n कैडेट n रोज है तो नंबर ऑफ कैडेट कितना हो जाएगा, 5n। ओके जो जितने भी हो ना उसको कर देना है 5 से मल्टीप्लाई, यहां पे ये भी हो रहा है ना, 4 5 का 20, 3 5 का 15, 2 5 का 10। ओके तो सिंपली अगर एक लाइन का हमें पता है कि 1 रो में कितने है तो नंबर ऑफ कैडेट निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा, तो आंसर यहां पे आ जाएगा 5n। ओके आगे यहाँ पे रखते हैं, किसी को कोई डाउट्स या कोई हो तो पूछ सकते हो।